नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक की एंड टॉक ऑफ दी टाउन स्टॉक की चर्चा करेंगे दोस्तों बट तरीका आप मेरा अपना होगा जो कि सबसे जुदा होगा और एच बैंक का करते हैं पोस्टमार्टम ठीक है आपने बहुत वीडियो देख ली होंगी गिरेगा चिरेगा ये फलाना डिमकाना और आपके साथ जो मैंने आ, क्या कहते हैं ट्रेड शेयर किया था वो तो ये दोस्तों ये रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है कृपया करके जो ज्वाइन जो करना चाहता है ज्वाइन कर ले और ये स्विंग ट्रेड का फिफ्टी परसेंट का भाई आखिरी ऑफर ठीक है।, है स्विंग ट्रेडिंग में और क्योंकि यार उसकी वैल्यू अलग है ठीक है फिफ्टी परसेंट में अगर आप दे ये लास्ट ऑफर है फिफ्टी परसेंट में स्विंग ट्रेडिंग में इसके बाद ऑफर नहीं दो जैसे बहुत पूछते रहते हैं यार देखिए कोई ना कोई मतलब मैसेज कर ही देगा कि इंडियन होने के नाते तो फिर दिया भाई ऑफर अभी जबकि वह राम उस दिन भगवान के नाम पर मांगा किसी ने तो दिया मैंने बट मैं आपको बता दूँगी स्विंग ट्रेडिंग वाला भाई पहला और ये आखिरी पहला कह रहा हूँ आखिरी है जो फिफ्टी परसेंट में अलग चीज़ है यार यहाँ पे एक्यूरेसी पिछले एक साल से नाइन्टी परसेंट ऊपर जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं देख सकते एक एक स्टॉक दस दस ग्यारह ग्यारह परसेंट देता है ये देखिए अभी चौबीस जनवरी पिछले वीक का है ये स्टॉक दिया मैंने छत्तीस पे बाय करिए एक ही दिन में ये स्टॉक फोर्टी थ्री पे क्लोज हुआ है ट्वेंटी परसेंट अब सर ठीक है और फिर ये स्टॉक दिया पच्चीस जनवरी को थर्मट लिमिटेड सौ के आसपास बाय करिए नाइन्टी नाइन बिलो एस एल है ये टारगेट है तो एंड इंडेक्सिस का भी महीने में एक दो ट्रेड में इसमें दे देता हूँ ठीक है जैसे ये इक्कीस पाँच सौ पचास पे निफ्टी सेल उसी दिन आपने देखा है कितना ट्वेंटी वन थाउजेंड वन नाइन्टी टू का लो जिस दिन ये सेल दिया है क्योंकि मैं तो पाँच से दस दिन की बात कर रहा था इस ग्रुप की वैल्यू अलग है भाई यहाँ पे ट्रेड अलग किस्म के मिलते हैं ठीक है महीने के पाँच छः ट्रेड ये कभी कभी सात आठ भी हो सकते हैं मेरे सेटअप में बैठेंगे तो ये वॉस्कोन ठीक है ये एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है ये पी एफ एस देख इनके प्राइस आप चेक कर लीजिए तो ये लास्ट है भाई स्विंग ट्रेडिंग में मैं इसके बाद फिफ्टी परसेंट तो नहीं दूंगा चलिए यह है जिसको ज्वाइन करना है दोस्तों कर सकता है ये मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का ग्रुप बारह हजार नौ सौ तेरह इसमें सब्सक्राइबर है बाकी ग्रीन ट्रेडर के बहुत ग्रुप खुले हुए वो मेरे नहीं ठीक है मुझे नहीं पता वो है किसके आइए एच बैंक की चर्चा करते हैं हाँ एच बैंक का मैं बता क्या वो तो बता दूँ ये एक जाते जाते मैंने आपको ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी का तो इसलिए दिया था क्योंकि एच बैंक चलेगा मुझे पता था चौदह सौ क्लोजिंग बिलो फोर्टीन ये टारगेट ये टारगेट है इसका रीजन बताता हूँ मैं समझाता हूँ दुनिया ठोक रही है तो क्यों अचानक से मेरा इसको बाय करने का एक मन बना हालांकि मैंने चाय पे चर्चा इस दिन आपको इंडिकेशन दिया था कि आज आज एच बैंक को सेल मत करना भाई ठीक है चलिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टेक्निकल्स की नॉलेज जितनी मुझे है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा सबसे पहली चीज एक बार डिस्क्लेमर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैंडेटरी है दोस्तों अनिवार्य है इसको पढ़ना और मेरी हर रिसर्च हर एनालिसिस हर वीडियो का शुभारंभ इसको पढ़ने के बाद ही होता है और इसको पढ़ने से आपको लाभ ही होगा सीखने को मिलेगा कुछ जरूर इसको भी पढ़िए सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे इसका वीकली चार्ट में लगाता हूँ वीकली चार्ट बहुत वीडियो देखी होंगी दोस्तों आपने एच सी बैंक की इधर जो नॉलेज मिलेगी वो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है खुल जा भाई ये है दोस्तों वीकली चार्ट अब वीकली चार्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा ठीक है थीके? पिछले तीन साल में नेगेटिव रिटर्न है इसके नेगेटिव रिटर्न यहां था 2021 में कहां 1600 के आसपास ठीक है आज का है 1400 के आसपास या कह लीजिए आप इस डब्बे के अंदर है नो रिटर्न कह लीजिए नेगेटिव रिटर्न कीजिएगा नो रिटर्न कह लीजिए जो 10 दिन पहले 1700 के आसपास था तो तीन चार परसेंट का रिटर्न था ये एचडीएफसी बैंक के हालात हैं। कुछ अभी इसमें आपने न्यूज़ भी सुनी होगी है ना किसकी आरबीआई की वो बाबूजी ने ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी तुम एक प्राइवेट बैंक को एल को बोल रहे हो कि तुम इसमें नौ पॉइंट नौ देखिए मैं इसको देख भी रहा था कि इंटरनेट पे है कि आर बी आई अलाउज एल आई सी टू एक्वायर अप टू नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट होल्डिंग इन एच डी एफ सी बैंक भाई नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट होल्डिंग बहुत बड़ी है ठीक है बहुत ज्यादा है बहुत बड़ी है ठीक है और इसी चक्कर में इसका ए जो है यूएस मार्केट में रेज हो गया वन पॉइंट एट परसेंट रात को ठीक है ये अभी थर्सडे की न्यूज है मतलब कल की न्यूज है पच्चीस तारीख की यहां पे टेक्निकल बेसिस अगर हम देखें कि हमको सबसे पहले आप पैटर्न देखेंगे ना तो पैटर्न तो दोस्तों जो ये देखिएगा ये ये बनता ही बनता है ठीक है? है ना और अब मैं आपको कलर चेंज करता हूँ और क्या बनेगा क्या ये पैटर्न बनेगा भाई फ्यूचर में ही पता लगेगा 2024 में इसमें कुछ तो मतलब अंदरूनी तौर पे यहाँ पे है क्या कहते हैं मतलब गड़बड़ है बहुत ठोका है इसको एफ आई ने ठीक है तीन चार दिन में अगर आप किसी पैटर्न के बेस पे ये फॉल दिखता है ठीक है पर आप टाइम पीरियड देखिए ना इस फॉल का इस फॉल का टाइम पीरियड जिस एक्सलरेशन में ये गिरा है ये डेली चार्ट में अगर मैं लगाऊं, भैया मुश्किल से सात आठ दिन में तोड़ दिया गया है इसको कहाँ पे सत्रह पच्चीस ठीक है ये देख लीजिए यहाँ से ये सोलह सौ सो अस्सी का भाव है इसका और 1680 के भाव से 1380 तो 300 पॉइंट में अब एक कितने दिन लिए इसने वन टू ठीक है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन विद इन सेवन ट्रेडिंग सेशन विद इन सेवन ट्रेडिंग सेशन एक ऐसा बैंक या बैंक छोड़िए एक ऐसा स्टॉक ठीक है जिसका हाईएस्ट वेटेज है तेरह परसेंट का वेटेज है इसका निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी मार मारिए गोली तेरह परसेंट वेटेज रखता है इंडेक्स के अंदर निफ्टी के अंदर आफ्टर मर्जर एच डी एफ सी एंड प्लस एच डी एफ सी बैंक क्या तो भाई हमको पता नहीं लग रही ठीक है और आर बी आई को ऐसी क्या जरूरत अब ऐसे बैंक में ठीक है एल आई सी को अब हुक्म दिया गया है तुम इसको जाके बचाओ इसका सीधा सीधा सिंपल सिंपल इस न्यूज का मतलब ये है कि इनकी फटी पड़ी है एल आई सी वालों जाके इनको बचाओ अब फटी क्यों पड़ी है ये रीजन भाई बाहर निकल के अभी तक तो नहीं आया बट जिस प्रकार से जिस स्पीड से ये फॉल आया है वो दिखा रहा है कि जिसको नॉलेज है वो बेच रहा है कि क्या मतलब या फिर ऐसा कुछ तो है कि भाई तुमने ऐसा मतलब मर्जर कर लिया है तुम अगले दो तीन साल प्रॉफिट में नहीं रह सकते है ना ये रिजल्ट जो आया है इसके बेस पे ठीक है कुछ ऐसा है जो बताया नहीं जा रहा छुपाया नहीं जा रहा एंड इस न्यूज़ का तो मतलब यही है कि भाई बैंक बैंक में गड़बड़ है इसकी सेलिंग कंटिन्यूस रहेगी तुम जाके इसका जो है सीधी सीधी बात है स्टॉक का प्राइस जो है मैनेज करो स्टॉक का प्राइस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एफ की सेलिंग इसमें लगातार चलती रही तो जो तेरह परसेंट का वेटेज है हिंदुस्तान के निफ्टी के इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा प्लस बैंक निफ्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा सीधा सीधा एल ये आर का जो एल को बोला गया है उसका मतलब ये है ठीक है कि तुम जाके इसको बचाओ सीधी सीधी कहानी ये है चलिए अब इसमें यहाँ से एक जो तो न्यूज आ गया भाई न्यूज बेसिस में उछाल आ सकता है टेक्निकल पे क्या रीजन थे टेक्निकल पे दोस्तों आप रीजन देख सबसे पहला रीजन ये है ओवरसोल्ड ठीक है एक होता है ओवरसोल्ड एक होता है हाईली ओवरसोल्ड एक होता है एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ठीक है इसी इन यही चीजें लागू होती हैं ओवरबॉट बोट हाईली मतलब पेट पूरा आपका भर गया ठीक है अब अंदर ना जाए हाईली ओवरसोल्ड मतलब गले तक भर गया अब अंदर ना जाए एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ये दोनों भरे हुए और मुंह भी आपने भर के बैठे हुए मुंह भी नहीं खुलेगा उसके अंदर खाना ही रखा हुआ है मतलब इस प्रकार की हालत आपकी हो चुकी है और यहाँ से जो टेक्निकल बाउंस बैक है वो आना लाजमी है वो आना बहुत ही ऑब्वियस है अब उसके रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सबसे पहले आप देखेंगे तो ये है अपने 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे यहाँ पे दो सौ को लगाया कलर मैंने ये रहा एक मिनट दो सौ और अब चलते हैं हम वीकली चार्ट ठीक है दोस्तों ये देखिए थोड़ी इंटरनेट में इशू है खुल जाएगा पूरा ये जो अभी आपको दिख रहा होगा ये एक लाइन ठीक है ये है भैया एच डी एफ बैंक की बहुत बड़ी सपोर्ट लाइन इसके नीचे जाके ट्रेड करना इतना आसान नहीं है ठीक है ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है ठीक है कोविड वाली महामारी इसमें ये जो सेलिंग हुई है ये यहां पे हुई थी बट ये पूरे ग्लोबल सेलिंग थी यहां सिर्फ एच बैंक में सेलिंग है है ना तो एक वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे 200 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है ये वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है और इसकी वैल्यू है फोर्टीन फोर फोर वन तो इतना मुझे अंदाजा था चौदह सो पच्चीस चल रहा है ये क्लोज तो इसके ऊपर ही जाके करेगा बंद होते होते ठीक है इतना मेरे को अंदाजा था और आप देखेंगे उस, उसने जो है चौदह सो बयालीस के आसपास क्लोजिंग दी है एच डी एफ सी बैंक का चार्ट खोल के देखिए आप मैं उसकी जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई है उसकी बात नहीं कर रहा क्लोज होते होते वो चौदह सो बयालीस चौदह सो चौतीस तो आपको इधर प्रोविजनल क्लोजिंग दिख रही है मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे तो इसका लास्ट ट्रेड प्राइस फोर्टीन फोर्टी टू था फोर्टीन फोर्टी टू जस्ट एक पॉइंट ऊपर उस आ, क्या कहते हैं 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर ये देखिए ये है इसका क्लोजिंग प्राइस फोर्टीन फोर्टी टू पांच मिनट की कैंडल मैंने लगाई है उस दिन लास्ट के तीन बजे के बाद एच डी एफ सी बैंक ये गया और फोर्टीन फोर्टी टू इसका क्लोजिंग प्राइस चौदह सौ पच्चीस जब इसका ट्रेड मैंने वहाँ पोस्ट किया था फोर्टीन ट्वेंटी फाइव इस प्रकार को चार्ट को घोटा हुआ है भाई ठीक है घोट के पिया हुआ है ये रीज़न था मतलब तो काफी श्योर था मैं कि इसको इसके नीचे पहली बार में आके क्लोज नहीं हाँ ये हो सकता है अब जैसे वीकली चार्ट है ये तो ये थोड़ा ऊपर जाए इधर उधर बदमाशी करे ऊपर नीचे घूम फिर फिर आके नीचे को फर्स्ट गो में तो इसको ये नहीं इसके नीचे जाके मतलब पहले ही वीक में जब इसको रिटेस्ट करने आया है ट्रेड कर रहा है वीकली के क्लोज होने वाली है ये इसके ऊपर आके ही क्लोज करेगा ठीक है इसके ऊपर अब एच डी एफ सी बैंक अगर आप खींचोगे ठीक है अगर आप एच डी एफ सी बैंक खींचोगे एच तो डी एफ सी बैंक खींचोगे तो भाई फिर बैंक निफ्टी भी खींचेगा आप पंद्रह सोलह पॉइंट चौदह सौ पच्चीस पे आपका एच डी एफ सी बैंक चल रहा है इसको खींचोगे तो आपका भैया बैंक निफ्टी भी खींचेगा बैंक निफ्टी भी भागा फिर पाँच सौ छः सौ पॉइंट इसलिए उसका भी ट्रेड दिया हुआ था ठीक है बैंक निफ्टी भी दिया हुआ था ये रहा। दो बज के आठ मिनट पर चौदह चौवालीस पाँच सौ और ये ये टारगेट हमें देखने को मिलने चाहिए उसी दिन दिख जा दिख गई ठीक है अब इसमें बाइंग क्यों आ सकती है सबसे पहला तो दोस्तों आपको सपोर्ट का पता लग गया होगा टू हंड्रेड वीक्स की मूविंग एवरेज की लाइन है ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो दो सौ डेली का दो सौ आपका वीकली का और दो सौ मंथली का पर यह आपको लाइन मिलेगी नहीं क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट नया है ये ये वाली लाइन आपको अभी नहीं मिलेगी ये यूएस मार्केट वगैरह में आपको लाइन मिलेगी अब आप डेली चार्ट पे आते हैं और और भी बहुत रीजन है ठीक है आप देखिए यहाँ पे विलियमसन और स्टॉक लगा के देखिए दिख जाएंगे आप दोनों लगा देता हूँ मैं ठीक है मैं विलियम परसेंटेज ये देखिए ये जो है कितना आ गया जीरो इधर कब जब तेरह सौ अस्सी पे खुला था तो इसके नीचे तो घुस नहीं सकता भाई इस दिन इसलिए इसमें ग्रीन कैंडल बने ये कितना है इधर ये उल्टा चलता है ये माइनस नाइन्टी नाइन पहुँच जाता है ये जो है ये जो विलियम परसेंट आर है ये ठीक है मेरी बहुत स्टडी बेस यूज़ करता हूँ मैं इसको ये यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे इस दिन ये देखिए माइनस नाइन्टी नाइन ठीक है ये माइनस नाइन्टी नाइन मतलब ओवर शोल्ड ओवर सोल्ड ठीक है और ये आपको मिलेगा वन के आसपास ठीक है यहाँ पे वन से भी नीचे ही होगा देख लीजिएगा ये लाइन यहाँ पे देखिए ये देखिए जीरो पॉइंट एट थ्री इसके नीचे तो जा नहीं सकता ओवर सोल्ड ठीक है प्लस ई एम ए मैंने आपको बताया मेरे सेटअप हैं ये ठीक है ये सेटअप है मेरे बहुत बहुत मेहनत करके खोजे हुए भाई आप देखिए बाउंस ये टेक्निकल बाउंस है ठीक है और ये चलेगा अभी थोड़ा सा और चल सकता है यहां तक कहीं तक इस जगह तक इस जगह तक वो अभी हम चर्चा करते हैं कि अब नेक्स्ट वीक में इसको ट्रेडिंग कैसे ये तो थी लर्निंग कि कब ओवरसोल्ड ओवरबोट पे आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई अब इसको अगर आपने शेयर को ठोका हुआ है तो अब कवर कर लो या फिर इसमें टेक्निकल बाउंस अब कभी भी आ सकता है तो ये टेक्निकल बाउंस आया इसमें ठीक है और अब इसमें एक सेटअप कौन सा बन रहा है ये देखिए आवरली चार्ट लगा के देखिया बहुत बढ़िया सेटअप बन रहा है ये इसने जाते जाते ब्रेकआउट भी दिया चौदह बयालीस ठीक है तो अब ये जो बाइंग है क्या कंटिन्यू रहती है चलेगा क्या इसके ऊपर ये ठीक है ये आप या फिर इसमें डेढ़ परसेंट का जैसे ए डी आर ऊपर है तो क्या गैप अप मिलेगा कुछ भी मिलेगा दोस्तों सीधी बात है आप इस लाइन को नोट करके रखिए फोर्टीन फिफ्टी फाइव ये लेवल नोट कर लीजिए ठीक है इसके ऊपर अगर एच डी एफ सी बैंक है चाहे चौदह सौ साठ दिखे आपको चौदह सौ बासठ दिखे आपको ये तेजी करेगा और ये कम से कम तेजी यहाँ तक कर सकता है यहाँ तक ठीक है पंद्रह सौ के आसपास तक एक इसमें हल्की फुल्के आपको छोटा सा गिरावट दिख मतलब रुकावट दिख सकती है फोर्टीन हंड्रेड एट्टी के आसपास यहां से एटलीस्ट इस पैटर्न पे ये तो टारगेट ये अचीव करता हुआ दिख रहा है पैटर्न पे ठीक है और न्यूज है इसमें ठीक है प्लस टेक्निकल बाउंस बैक जिसको अनअवॉइडेबल बोला जा सकता है उस प्रकार का टेक्निकल बाउंस बैक क्या कहते हैं नीचे इंडिकेटर पे मैंने आपको भी बताया और वो चार्ट पैटर्न पे भी आपको दिख रहा है ठीक है तो ये यहां तक 1480 1500 के आसपास तक आपको दिख सकता है नंबर फॉर ट्रेडिंग ठीक है सारी स्टडी कर ली सब कुछ कर लिया नंबर कौन सा है है ना जो उसको वैलिड करेगा वो करेगा 1455 इसके ऊपर होना चाहिए और ये लेवल आप लगा लीजिए 1442 एक नंबर पीछे दिस इज योर स्टॉप लॉस फॉर योर ट्रेड ठीक है और ट्रेड ट्रिगर कब होगा इसके ऊपर अब 1460 मिले आपको तब भी बाय है चौदह मिले आपको तब भी बाय है तो आप थोड़ा सा एसएल को आगे खिसका लीजिए भैया कहने का तात्पर्य ये है कि एक से डेढ़ परसेंट का वन पॉइंट फाइव परसेंट का एसएल लेके ही आपको ट्रेड करना है ठीक है तो ये है एचडीएफसी बैंक जिसके अंदर फंडामेंटली जो मुझे लग रहा है मैंने आपके साथ शेयर किया न्यूज़ देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई जाके संभालो नहीं तो चिचड़े उड़ा देगा ये निफ्टी के सरकारी हुक्म जैसे दिया गया हो ठीक है और टेक्निकल तो, तो बाउंस बैक बनता है बट क्या दोबारा सेलिंग आएगी नहीं आएगी ये भैया आगे आने वाला टाइम ही बताएगा मेरे हिसाब से तो हानी चाहिए ठीक है चाहे तो नौ परसेंट बाई नौ परसेंट भैया इतनी बड़ी कंपनी के अंदर नौ पॉइंट नौ परसेंट एक एंटिटी को बोल दिया कि तुम बाय कर सकते हो पता नहीं कितने थाउजेंड करोड़ की तीस चालीस हजार करोड़ की इसके अंदर बाइंग होगी ठीक है चलिए वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इस प्रकार से सीखते रहिए चार्ट को ठीक है देखिए ये सब स्टडीज हैं पर ये कोई हंड्रेड परसेंट नहीं है ठीक है पर काम करती हैं बेसिक्स यही है स्टॉक मार्केट टेक्निकल्स का बेसिक्स यही है ठीक है इन्हीं पे आपको डायनेमिक होते हुए चेंज करते चलना है मतलब आगे चलते चलना है सीखते चलना है बेसिक्स पर यही थैंक यू वेरी मच